हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार दुबे, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपरनोवा में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक एक्सपोनेंट्स, पावर एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर का जब कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन, फिर कुछ टाइम तक जब तक नंबर छोटा है तब तक तो मल्टीप्लीकेशन लिखना आसान हो जाएगा। सपोज दैट मैंने 2 को लिखा है यहाँ पे 2 × 2 × 2। अगर ये 3 टाइम्स तक है तो आसान है, अगर 4 टाइम्स भी होता तो भी ये थोड़ा सा आसान होता, 5 टाइम्स होता तो भी थोड़ा आसान होता। लेकिन अगर यही मल्टीप्लीकेशन मुझे 100 टाइम्स करना पड़ गया या फिर 200 टाइम्स करना पड़ गया, फिर जब मैथमेटिक्स में लिखना शुरू करेंगे जब इसको, तो पूरे पेज का पन्ना भर जाएगा और वो मल्टीप्लीकेशन लिखना और मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में नंबर्स को हम जब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक प्रॉब्लम अपने लिए सॉर्ट आउट हो जाता है। वो कैसे होता है कि जैसे कि कोई नंबर अपने पास आता है, उसको अगर मान लीजिए हमने 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 × 2 × 2 × 2 × …… 15 टाइम्स। अगर कोई नंबर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो इन शॉर्ट में इसको एक लाइन में, एक वर्ड में इसको लिखने के लिए हमारे पास एक नायाब तरीका है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते कैसे हैं, जो नंबर रिपीट होता है वो नंबर एक बार लिख देंगे और कितनी बार रिपीट होता है उसको हम क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख देंगे। सपोज दैट यहां पे हमने लिखा है 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहां पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस फॉर्म इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो 2 है, 2 को अपन बोलेंगे यहां पे बेस एंड 15 को हम एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। अब कैसा भी मल्टीप्लीकेशन हो, कैसा भी मल्टीप्लीकेशन रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन हो, उसको इनसॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका क्या है, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसके बाद से कुछ लॉज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, लॉ सेवन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जिसको हम बारी बारी से यहां पे डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। मींस क्या हो गया कि जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है, सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है ए, ए क्या हो रहा है एन टाइम्स रिपीट होता है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन। यहां पे ए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, a × a × a × …m टाइम्स। एंड अगर कोई दूसरा नंबर है सेम बेस का बट पावर अलग अलग है, तो a टू द पावर n अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो इसको लिख सकते हैं ये पे a टू द पावर n, और a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, a × a × a × a up to n टाइम्स। नाउ अब दो नंबर हैं, दो टर्म्स हैं और दोनों एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस रूल के तहत इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन, अगर एक्सपोनेंट में स्टूडेंट्स, अगर एक्सपोनेंट में बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो अपन क्या करते हैं, बेस सेम रखते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इट मींस बेस सेम रहेगा यहां पे और पावर क्या हो जाएगा, m+n। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल। मींस जो नंबर हमारे क्या कहते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में होंगे उसको प्रोडक्ट, उसका हमने प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं 2 × 4 × 2 × 3। अब एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 + 3
means 2 to the power 7. अगर मैं LHS लूंगा तो LHS में लिखूंगा 2 to the power 4 means कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 4 times. 2 to the power 3 means 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 times. Means 2 into 2 into 2 into 2 4 times मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3 means 2 3 times मल्टीप्लाई होगा. इसको मैंने 3 times यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. Now RHS लेंगे तो RHS में भी हमारा 2 to the power 7 है. It means 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 7 times. 2 to the power 7 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 and 7 times. इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें 7 times मल्टीप्लाई है, यहां भी 7 times मल्टीप्लाई है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई. यहां पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल्स यहां पे फॉलो हो रहा है. अब हम दूसरे इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं. यहां पे कोसेंट ऑफ पावर रूल, कोसेंट ऑफ पावर रूल का मतलब क्या हो गया, नंबर सम यही लेते हैं a टू द पावर m एंड a टू द पावर n. अब अभी तक हमने इसके पहले पहले वाले फॉर्म में क्या किया था, इनको प्रोडक्ट किया था. अब इनके फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिविजन करेंगे, फिर हम हमको मिलेगा कोसेंट ऑफ पावर रूल. इट मींस यहां पे क्या हो गया, a पे पावर m है और a पे पावर n है. ऐसे फॉर्म में जब भी आता है, जब भी ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर हमारा डिविजन आ गया, बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो अपन क्या करते हैं, बेस को सेम रखते हैं, पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. मींस a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m माइनस n. नाउ इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सेम एग्जांपल के साथ. लेट्स से फर्स्ट नंबर इज 2 to the power 4 एंड सेकेंड नंबर इज 2 to the power 3 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 2 to the power 4 minus 3 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 1. नाउ LHS में सॉल्व करते हैं. यहां पे LHS अपना निकल गया आएगा. यहां पे 2 to the power 4 means 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स एंड 2 to the power 3 means 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स. मींस 2 into 2 into 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2. अगर ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या है यहाँ पे 2 दैट इज इक्वल टू RHS. तो इस तरीके से हमने दूसरे इक्वेशन को भी वेरीफाई कर दिया. अब आते हैं तीसरे रूल पे, पावर ऑफ ए पावर रूल क्या कहता है कि अगर कोई हमारा नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हो और उस पर फिर से कोई पावर आ जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं. जैसे कि हमारे पास सपोज दैट हमारे पास नंबर आता है a टू द पावर m, ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर इस पे फिर से हम पावर दे देते हैं तो फिर हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, इसमें इसको चेक करते हैं. बेसिकली होता क्या है, a टू द पावर m पे पावर n है, इट मींस a टू द पावर m कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इंटू अप टू n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. जब कोई नंबर n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो m टाइम्स क्या होता है, उस पर पावर आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू द पावर m इंटू n. इसको हम वेरीफाई भी करते हैं. a टू द पावर 2 to the power 3 टू द पावर 2 लेता हूं मैं यहां पे, 2 to the power 3 to the power 2, इट मींस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 to the power 3 into 2 to the power 3. अब बेस सेम है, एक्सपोनेंट अपन क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 to the power 3 plus 3 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 6. अब 2 to the power 3 इसको अपन लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 6. तो इस तरीके से हमने पावर ऑफ ए पावर रूल का वेरिफिकेशन कर लिया. अब आते हैं फोर्थ रूल पे, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल. इसका भी हम वेरिफिकेशन करते हैं. पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल में अपन वेरीफाई कैसे करेंगे, सपोज दैट कि कोई एक नंबर आ गया n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और दूसरा नंबर आ गया वो भी n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है,
मींस क्या हो गया कि दो नंबर डिफरेंट बेस के सेम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इनका प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे इसको अब हम समझते हैं। जैसे कि a टू द पावर m मींस a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, m टाइम्स मल्टीप्लाई है। अनदर नंबर b रेज टू द पावर m, इट मींस b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, b इंटू m टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m मींस दो पावर वाले एक्सपोनेंट वाले नंबर हैं, इनका मैं प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या होगा, a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, a इंटू अप टू m टाइम्स इंटू क्या होगा, b इंटू m टाइम्स हो जाएगा। अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं, बार बार दोनों नंबर अलग अलग लिखने से अच्छा है अपन इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, a इंटू b, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली a b इंटू ए बी, हमने यहां से एक नंबर यहां से उठाया, एक नंबर यहां से उठाया, दोनों का पेयर बना दिया हमने, और एक पेयर कितने टाइम्स रिपीट होगा मल्टीप्लीकेशन में, अप टू n टाइम्स रिपीट होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे a इंटू b टू द पावर, यहां पे हमने देखा कि इंडिविजुअल पावर था, इंडिविजुअल पावर मींस पावर दो डिफरेंट बेस के नंबर सेम पावर पे सेम पावर इसमें थे, तो हमने क्या किया इनका जब प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट लेने से हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि दोनों का अगर डिफरेंट बेस है, पावर सेम है, तो दोनों का बेस हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही दे देंगे। इट मींस a टू द पावर 1m इनटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab टू द पावर m। अब डिस्कस करते हैं पावर ऑफ फिफ्थ रूल ऑफ फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ ए कोसेंट रूल। पावर ऑफ ए कोसेंट रूल क्या बताता है कि अगर कोई नंबर, सपोज दैट ये नंबर है a टू द रेज टू द पावर m है, और दूसरा कोई नंबर b है वो भी रेज टू द पावर m है, अगर इन दोनों का हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन किस तरीके से करेंगे उसको अपन समझते हैं। यहां पे a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, तो डेफिनेटली a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, m टाइम्स होगा a इंटू डॉट 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 m टाइम्स, डिवाइडेड बाय b इंटू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय m टाइम्स। नाउ अगर मैं क्या करता हूं a और b का एक एक पेयर बनाता हूं तो ये पेयर कितने टाइम्स रिपीट होगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई इंटू m टाइम्स रिपीट होगा। तो क्यों मैं बार बार सेम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बार बार क्यों करने जाऊं, मैं एक ही बार लिख देता हूं a बाई बी रेज टू द पावर m। तो अपन a बाई m, a पे पावर m, b पे पावर m को मैं लिख सकता हूं a बाई बी पे पावर m। तो इस तरीके से हमने पढ़ा फिफ्थ रूल, पावर ऑफ ए कोसेंट रूल। अगर कोई दो डिफरेंट नंबर लाइक वी कैन से 2 to the power 5 एंड 3 to the power 5, अगर दोनों का हमें डिवीजन करना पड़ रहा है, दोनों का अगर हमें डिवीजन करना पड़ रहा है, यहां पे कन्वीनियंट है फॉर्मूला यहां पे लिख दिया, एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, इस रूल को a टू द पावर m b टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर m, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज है कोई नंबर है हमारा 2 to the power 5 और दूसरा नंबर है 3 to the power 5, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब अलग अलग पावर ना देखे अपन इसको एक्सपेंड करते हैं मींस 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखेंगे हम एक एक नंबर का यहां पे पेयर बना लेते हैं, 2 by 3 into 2 by 3 into
टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री। अब देख रहे होंगे हम कि एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है। जब ये नंबर फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है तो अपन इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर टू बाई थ्री टू द रेज टू द पावर फाइव। तो इस तरीके से हमने वेरिफिकेशन ऑफ पावर ऑफ ए कोसेंट रूल कर लिया। अब आएंगे हम सिक्स रूल पे, जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल मैथमेटिक्स में हर एक जगह काम आएगा। हर एक जगह मींस हर प्रोडक्ट ना भी हो तो भी काम आता है, क्योंकि जीरो पावर रूल क्या कहता है कि अगर मैथमेटिक्स के किसी भी टर्म में आप ले लो या फिर कोई वेरिएबल सी ले लो, अगर उस पे पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। वही बताता है जीरो पावर रूल। अब कोई भी नंबर ले लीजिए जिस पे पावर अगर जीरो हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ये बताता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सिक्स्थ लॉ, जीरो पावर रूल। अब आते हैं सेवेंथ लॉ पढ़ते हैं, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर पे निगेटिव पावर हो तो फिर उस नंबर को हम लिखते कैसे हैं, ये समझते हैं कि सपोज दैट कोई नंबर है ए टू द पावर माइनस एम, इट कैन बी इट इज रिटन लाइक दिस वन बाई ए टू द पावर एम। ऐसा क्यों होता है इसको अपन समझते हैं दूसरे फॉर्म से। अभी हम जो पहले कोसेंट रूल यूज किए थे उस फॉर्म से इसको हम समझते हैं। ये क्या हो गया, LHS से RHS से आते हैं। RHS क्या है, वन बाई ए टू द पावर। अब हमने अभी पढ़ा जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल मींस क्या हो गया, किसी भी नंबर पे अगर पावर जीरो आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। इट मींस यहां पे वन है तो अपन इसको लिख सकते हैं यहां पे ए टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम, ए टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम। अब ए टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम है, ये क्या हो गया, ए बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिविजन के फॉर्म में है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए टू द पावर जीरो माइनस एम, इसको अपन लिख सकते हैं यहां पे। तो ए टू द पावर जीरो माइनस एम मींस वो इंप्लाइज दैट ए टू द पावर माइनस एम दैट इज इक्वल। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक पे हम वीडियोस आगे पब्लिश करते रहेंगे, और हमारे ऐसे ही मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे रेगुलर विजिट करते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अजय कुमार दुबे फिर से आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।